अलसना चिकन हलीम गुज़िश्ता 13 सालों से फरोख्त की जा रही है। हलीम की तैयारी में विटामिन से भरपूर मغذیات का इस्तेमाल किया जाता है। ये हलीम 3 मुकामात में दस्तियाब रहेगी, जिसमें नज़्द ग्रैंडमा बेकर्स जहरा नगर चौराहा बंजारा हिल्स रोड नंबर 10, लेक व्यू बंजारा फंक्शन हॉल रोड नंबर 11, वेंकटरामन्ना कॉलोनी चौराहा खैरताबाद शामिल है। शाम 5 बजे से माह रमजान की चांद रात से 6 शव्वाल तक हलीम फरोख्त की जाएगी। ऑर्डर देने पर इफ्तार पार्टी के लिए हलीम सरबरा की जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए मोहम्मद गौस के फोन नंबर 9912355077 या फिर 8374443443 पर रब्त कायम किया जा सकता है। आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। सीएम केसीआर ने कहा कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस की इख्तदार हासिल होगा, इसके बारे में कुछ कहने के लिए जरूरत नहीं है। वजीर आला ने हैदराबाद के टैंक बंड में बीआर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्मे की निकाब कुशाई के बाद मुनक़िदा मीटिंग में शिरकत की। सीएम केसीआर ने कहा कि बीआरएस को मुल्क भर में गैर मुतवक्की हिमायत मिल रही है। सीएम ने कहा कि वो महाराष्ट्र में हिमायत को देखकर हैरान रह गए और कहा कि मुस्तकबिल में यूपी और बिहार में भी हिमायत मिलेगी। इस मौके पर सीएम केसीआर ने तयकुन दिया कि तेलंगाना में चलाई जा रही दलित बंधु स्कीम को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वो पहले ही तेलंगाना में 50,000 लोगों को दलित बंधु दे चुके हैं और वो मजीद 25,000 लोगों को दलित बंधु फराहम करेंगे। वजीर आला ने कहा कि खून के आखिरी खतरे तक मुल्क के लिए काम करेंगे। केसीआर ने मजीद कहा कि वो अपने हाथों से अंबेडकर के मुजस्मे की निकाब कुशाई करने पर खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। सीएम केसीआर ने टैंक बंड हुसैन सागर पर डॉक्टर बीआर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्मे का इफ्तिताह किया। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।